द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स का प्रोडक्शन के बारे में हम लोग इसमें जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानना है कि प्रोडक्शन क्यों, क्या है क्रॉनिकल्स को क्यों बनाया जाता है, कोई भी रूलर प्रोडक्शन क्रॉनिकल्स का क्यों करती है, क्यों उसको क्रिएट करती है, उसका कंपोजिशन क्यों करवाती है अपने दरबार में। तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं। टू क्वालिफाई द डिसीजंस एंड इवेंट्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट में जो भी डिसीजन रूलर्स के द्वारा लिए जाते थे या जो भी इवेंट्स, जो भी घटनाएं घटती हैं, उन चीजों को क्वालिफाई करो, जो भी निर्णय लिया अपने साम्राज्य के लिए, उस निर्णय कोर्ट से होता है। तो जो राजा का कोर्ट है या राजा का जो दरबार है, उस दरबार में जो भी निर्णय लिया गया उसको क्वालिफाई करना है। दूसरा, टू मेक द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट और रूलर्स, कोई भी रूलर जो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, अपने को अपने मरने के बाद भी वो चाहता है कि उसकी शासन व्यवस्था के बारे में लिखा जाए, पढ़ा जाए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपने टाइम का हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करेगा। इसलिए वो क्या करेगा, कोर्ट हिस्टोरियन को अपॉइंट करेगा। तो ये अपनी शासन काल की हिस्ट्री को लिखने, इतिहास को लिखने के लिए भी क्रॉनिकल्स को लिखा जाना शुरू किया गया। टू ट्रांसफर द मैसेज ऑफ वन रूलर टू हिज सक्सेसर्स, अब से अकबर ने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन के आधार पे उसके जो सक्सेसर, जैसे कि जहांगीर है या फिर शाहजहां है या फिर औरंगजेब है, तो वो भी उसके डिसीजन के आधार पे वो भी निर्णय ले सकता है, उससे भी कुछ बहुत कुछ सीख सकता है। इसलिए अकबर ने अकबरनामा जैसे चीजों को क्रिएट करवाया, अकबरनामा को लिखवाया। और याद रखना, इस अकबरनामा में जो चीजें, जो मैसेज, जो उनमें थीम, जिन चीजों को बारे में डिटेल से बताया गया, उसके आधार पे ही अगले 200 वर्षों तक मुगल एम्पायर जो है वो सस्टेन किया। तो ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टू कन्वे द मैसेज टू द सब सब्जेक्ट, को भी कुछ मैसेज देना है तो उन चीजों को भी आप क्वालिफाई करते हो। इट वॉज ए काइंड ऑफ प्रेस्टीज एंड लिटरेरी अचीवमेंट, ये जो है एक राजा के लिए, एक राज्य के लिए, एक दरबार, राजा के दरबार के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है कि किस तरह का बुक लिखा गया, कैसे लिखा गया, कौन लिखने वाला है, उसके लिखने की लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये चार पांच पॉइंट है क्यों लिखा गया। दूसरा है कि जो कुछ एग्जाम्पल्स है वन मास के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अकबरनामा अकबर के दरबार में लिखा गया था, शाहजहांनामा शाहजहां के दरबार में, तो शाहजहां के द्वारा अपॉइंट किए गए हिस्टोरियन के द्वारा या दरबारी कोर्ट हिस्टोरियन के द्वारा शाहजहांनामा लिखा गया, और आलमगीरनामा जो है औरंगजेब के टाइम में लिखा गया। अब समझना आपको ये है कि जैसे नाम से देखना, अकबरनामा अकबर, इसका मतलब जो हिस्ट्री है, जो कोर्ट की हिस्ट्री है या दरबार की हिस्ट्री है या फिर साम्राज्य की हिस्ट्री है, वो राजा की हिस्ट्री के इक्वल, मतलब जो लिखने वाले हैं वो ये मान के चलते हैं राजा की हिस्ट्री और दरबार की हिस्ट्री एक ही है, राजा की हिस्ट्री या उस राज्य या उस साम्राज्य की हिस्ट्री एक ही है। तो आप इसको ये कहीं ना कहीं एक तरह के लिमिटेशन है कि राजा का जो इतिहास है वही साम्राज्य का इतिहास है, क्योंकि नाम से आपको समझ में आ रहा, अकबर के काल में जो भी इतिहास, जो भी निर्णय, जो भी चीजें लिखी जाएंगी उसको नाम दिया गया अकबरनामा, अकबर के बारे में। लेकिन ये माना जाएगा कि अकबर के काल का इतिहास है, अकबर के साम्राज्य का, अकबर के रूल का इतिहास है। तो इस तरह से आप देखोगे कि उनके नाम के हिसाब से इनकी बुक का नाम, क्रॉनिकल का नाम रखा गया। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जैसे कि आलमगीरनामा, आलमगीरनामा औरंगजेब का ही एक दूसरा नाम था, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से पुकारा जाता, उसकी एक पदवी थी। तो ये इसमें ये मत सोचना कि आलमगीरनामा जो है दूसरा नाम, नहीं, ये भी औरंगजेब का नाम ही है। तो इस तरह से राज्य का इतिहास या कोर्ट का इतिहास का मतलब ही था राजा का इतिहास, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग बात कर रहे हैं अब जब हम इतिवृत्त की रचना के संदर्भ में भाषा की बात करते हैं, तो भाषा की बात को समझने के लिए आपको समझना होगा कि जितने भी इतिवृत्त या मुगल कोर्ट के जो लैंग्वेज है, मुगल को मुगल शासकों ने जो रचनाएं करवाई हैं, जो क्रॉनिकल्स को लिखने के जिस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, तो वो लैंग्वेज कौन था, तो वो लैंग्वेज ओवरऑल जो लैंग्वेज था अकबर के टाइम में, खासकर जब फुल फ्लेज में मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया, तो वो था पर्शियन।
लेकिन थोड़ा सा उसके रूट को हम समझ लें। देखो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड क्रॉनिकल्स में मुगल का जो फाउंडर था, मुगल का फाउंडर था बाबर, और बाबर जो है बेसिकली चार वर्ष के लिए, ये चार वर्षों में इन्होंने लैंग्वेज पे जो उनका जो मदर टंग था उसी में उन्होंने काम किया। तो बाबर ने चार, चूंकि बाबर चगताई तुर्क था, तुर्की से आया था, इसलिए इसका मदर टंग जो है वो टर्किश था। टर्किश मदर टंग होने के कारण बाबर ने जो बुक लिखा था बाबरनामा, उसे पोएट्री है वो, एक्चुअली उन्होंने पोएम के फॉर्म में अपनी एक्सपीरियंस को, हिंदुस्तान में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, जो उन्होंने अनुभव किया था, उसको लिखा था, उसको बोलते हैं वो, उस बुक का नाम बाद में दिया गया बाबरनामा। ये जो बाबरनामा है ये टर्किश में लिखा गया है, लेकिन बाबर के डेथ के बाद हुमायूं का रूल एस्टेब्लिश, लेकिन हुमायूं तो भागता ही रह जाता है जिंदगी भर, हुमायूं को हिंदुस्तान से भगा दिया जाता है शेरशाह सूर के द्वारा। और जब हुमायूं लौट के आता है तब तक वो लगभग पंद्रह वर्षों तक वो ईरान में रहता है, ईरान के संरक्षण में रहता है। और याद रखना ये जो पर्शियन की हम बार बार बात करते हैं, ये पर्शियन जो है ये एक्चुअली ईरान का ही नाम है, ईरान को ही पर्शिया बोला जाता था। तो ईरान में बोलने वाले जो लैंग्वेज है, ईरान का जो लैंग्वेज है वो पर्शियन लैंग्वेज है। तो ईरान में हुमायूं रह रहा है और हुमायूं के साथ उसका बेटा कौन रह रहा है, अकबर। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे वो अकबर का इंपॉर्टेंस है इस लैंग्वेज को अडॉप्ट करने में, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, जब हिंदुस्तान लौट के आएगा हुमायूं, तो वो पुनः, उसके पास टाइम तो बहुत कम बचा, मात्र एक वर्ष, मुश्किल से एक वर्ष जिंदा रहा। तो उसके बाद जब अकबर रूलर बनेगा, अकबर क्या करेगा, उसी पर्शियन लैंग्वेज को अडॉप्ट करेगा। उसके पीछे एक तो उसका कल्चरल उसके जो उसका परवरिश हुआ है, अगर देखा जाए तो जन्म के बाद 1543 में जन्म होता है अकबर का जन्म होता है। और मतलब एक तरह से ईरान में ही वो पला बढ़ा, ईरान में ही उसकी परवरिश हुई। 13 साल तक वो ईरान में, अपने उम्र का एक जो बचपन है वो उन्होंने ईरान में ही बिता दिया। तो ईरानी जो लैंग्वेज है, जो पर्शियन का उसकी लाइफ बहुत बड़ा प्रभाव था, पहली चीजें। दूसरी चीजें ये कि जो दिल्ली सुल्तान के जो रूलर थे, दिल्ली सुल्तान के रूलर दो लैंग्वेज को प्रेफर करते, एक तो हिंदवी जो लोकल लैंग्वेज था, हिंदवी जो था ये नॉर्थ इंडिया का लोकल लैंग्वेज कहलाता था, और लोकल लैंग्वेज के साथ इसमें दूसरे कई, नॉर्थ इंडिया में कई लैंग्वेज थे, और कुछ इसमें पर्शियन का भी कुछ वर्ड होता था, कुछ दूसरे टर्किश का भी वर्ड होता, जो भी इंडिया में मुस्लिम आए अलग अलग लैंग्वेज में उनका भी वर्ड होता, सब मिला के एक हिंदवी लैंग्वेज था। तो ये हिंदवी में और दूसरा पर्शियन, इसी लैंग्वेज में दिल्ली सल्तनत के दौरान कई लिटरेरी वर्क हुए थे, कई मतलब चीजों को लिखा गया, पढ़ा गया। तो एक ट्रेडिशन भी था, पुराना ट्रेडिशन। तो अकबर ने एक तो अपना उसका उससे संपर्क पर्शियन लैंग्वेज से, दूसरा पुराना दिल्ली का ट्रेडिशन, और तीसरा कई सारे ईरानियन जो बड़े बड़े नॉबल्स होते थे वो अकबर के कोर्ट में जॉब के लिए आते थे, बड़े बड़े पोस्ट के लिए आते थे। जब वो दिल्ली पहुंचते थे या आगरा पहुंचते थे तो वो पर्शियन लैंग्वेज में वो बहुत ज्यादा हैबिचुएटेड थे, पर्शियन उनका मदर टंग होता था। फिर इस सारे कारणों का अकबर ने अपने कोर्ट का लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बना लिया पर्शियन, ठीक है। तो मुगल कोर्ट का लैंग्वेज अकबर के द्वारा कौन सा लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया, पर्शियन। ये चीज आपको मुगल कोर्ट लैंग्वेज बाय अकबर के द्वारा कौन सा लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया, तो ये याद रहना चाहिए, पर्शियन। ये अकबर के द्वारा अडॉप्ट किया गया, ठीक है। अब ये जो है अकबर के द्वारा जब अडॉप्ट किया गया, तो याद रखना पर्शियन का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया। पर्शियन जो एक किंग के द्वारा बोला जाता था, पर्शियन जो कोर्ट का लैंग्वेज बन गया, जो कोर्ट में एलीट होता था, एलीट ऑफ कोर्ट, वो कौन सा लैंग्वेज बोलता था, पर्शियन। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज बन गया, एडमिनिस्ट्रेशन का भी लैंग्वेज यही बन गया, एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल, प्रत्येक लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन का यही लैंग्वेज बन गया। इतना ही नहीं, लिटरेरी वर्क भी होने लगा पर्शियन में।
आपको पता होगा जो बाबरनामा है, बाबरनामा भी टर्किश में था, तो ट्रांसलेशन का वर्ग, ट्रांसलेशन का कई सारे वर्ग हुए, जैसे कि बाबरनामा, बाबरनामा का ट्रांसलेशन किसमें किया गया, अकबर के टाइम में बाबरनामा का टर्की से पर्शियन में ट्रांसलेशन किया गया। आपको याद होना चाहिए इंडिया का जो रामायण है और इंडिया का रामायण के साथ जो महाभारत है, इसको भी ट्रांसलेशन किया गया किसमें, इसको भी ट्रांसलेशन किया गया पर्शियन में, जैसे कि इसका नाम दिया गया रजमनामा। ये जो रजमनामा है ये एक्चुअली महाभारत है। तो अकबर के टाइम में कई सारे संस्कृत लैंग्वेज के, टर्किश लैंग्वेज के, अदर इंडियन लैंग्वेज के बुक्स को किस क्या किया गया, ट्रांसलेशन किया गया। और जो क्रोनिकल्स था वो तो पर्शियन में था ही। इस तरह से आप देखोगे किस तरह से ये जो लैंग्वेज है, जो पर्शियन है, पर्शियन लैंग्वेज ये प्रेस्टीज का सिंबल बन गया, ये प्रेस्टीज का सिंबल बन गया। ये जो पर्शियन लैंग्वेज जो बोलते थे उनका समाज में बहुत ज्यादा सम्मान होने लगा। और ये जॉब के लिए भी, जॉब के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज है, तो क्लर्क चाहिए, ऑफिसर चाहिए, या लेखा करने वाला आदमी चाहिए, कैलीग्राफर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उनके लिए जिसको पर्शियन आता है तो वो उनके लिए जॉब भी मुगल दरबार में मिल सकता है या मुगल शासन में मिल सकता है। तो सेवरल काइंड्स ऑफ वर्क से ये जो है पर्शियन जुड़ता चला गया। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स का, क्रॉनिकल्स का प्रोडक्शन कैसे होता था उसको जानते, मेकिंग ऑफ, इसमें सबसे पहले बात हो जाएगी मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है इसको समझना जरूरी है। हाथ से लिखी हुई चीज को मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, हैंड रिटन वर्क। और आपको पता है जब तक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ तब तक चीजों को हाथ से ही लिखा जाता था, इसलिए मुगल एम्पायर के टाइम में इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इंडिया में मुगल एम्पायर के टाइम में मुगल कोर्ट में जो भी लिखने की काम होती थी, पढ़ने की काम होती थी, वो हाथ से लिखी हुई चीजों से ही किया जाता था। तो इसके लिए हाथ से जब चीजों को लिखा जाता था तो उसके लिए आपको पता होगा इंडिया में कोई पेपर बनाने की फैक्ट्री भी नहीं थी, तो इसलिए ये जो काम था लिखने पढ़ने और पेपर को बनाना उसको बाइंडिंग करना, ये कॉमन पीपल के बस की बात नहीं थी। ये या तो कोई इंस्टीट्यूशन कर सकता है या राजा या कोई बड़े आदमी ही कर सकते थे। तो जब कोर्ट के थ्रू ये सारे काम होते थे तो ये एक कॉम्प्लेक्स वर्क के रूप में था। इसके लिए मुगल शासकों ने किताब खाना को एस्टेब्लिश किया। ये किताब खाना है, दिखने में तो लगता है कि इसे लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी के साथ ये और भी कुछ है। और भी कुछ क्या है, ये किताब खाना में किताब को रखना, स्टोर, किताब का स्टोर भी किया जाता था, स्टोर के साथ किताब का प्रोडक्शन भी किया जाता था। ये चीजें आपको याद रखना, किताब का स्टोर भी और किताब का प्रोडक्शन दोनों काम हो रहा किताब खाना। अब इसका जो प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन से जुड़े हुए राइटर होंगे, पेपर प्रोडक्शन करने वाले लोग होंगे, पेपर लुगदी बनाने वाले लोग, उसे सुखाने वाले लोग होंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स वर्क था, इसमें बाइंडर होंगे, पेपर बन के तैयार होगा तो बाइंडर होंगे। अब ये जो राइटर तो मान लो अपने लैंग्वेज में अपने हाथ से लिख दिया, लेकिन उसको इस किताब खाना में मुगल एम्पायर के किताब खाना में रखा जाना है तो वो सुंदर होना चाहिए, उसका सुलेख जो है बहुत सुंदर अच्छा होना चाहिए, अच्छे कैलीग्राफर होना चाहिए। ये अच्छे कैलीग्राफर जो सजा 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 के लिखता है, बढ़िया से लिखता है, उसके भी कई स्टाइल होते हैं, उसी को बोला जाता है कैलीग्राफर। और पेंटर, जो भी चीजें लिखी जाती है उससे जुड़े हुए छोटे छोटे मिनिएचर टाइप के पिक्चर्स भी बनाए जाते थे बुक में। तो आप अभी भी जब इस तरह के आर्काइव में जाओगे, अगर मुगल दरबार से जुड़े हुए पुस्तकों का अध्ययन करोगे, उसके एक नजर देखने कोशिश करोगे, तो आपको बहुत ही सुंदर हाथों से सुंदर अच्छी कैलीग्राफी करके लिखी गई है और उसमें इमेज भी क्रिएट किए गए हैं। तो ये जो इतने कॉम्प्लेक्स वर्क में ये दो, पेंटर एंड कैलीग्राफ, इनका बहुत ज्यादा सम्मान था। ये जो थे ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते थे, क्योंकि फाइनल स्टेज में जब बुक पहुंचता था तो इन्हीं दोनों का रोल
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, तो कैलीग्राफी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वन मार्क्स के लिए क्वेश्चन। कैलीग्राफी मतलब सुलेखन, अच्छे से लिखने की कला जो है वो कैलीग्राफी कहलाती है। जो अकबर का जो कैलीग्राफी, जो सबसे जो कैलीग्राफिक स्टाइल जो पसंद था अकबर का, उसका नाम है नस्तलिख। ठीक है, नस्तलिख या NSTALIQ, नस्तलिख इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको नस्तलिख बोलते हैं। आप इसको अकबर का पसंदीदा सुलेखन स्टाइल है। इस तरह से जो पेंटर और जो कैलीग्राफर है वो एक तरह से मुगल कोर्ट के लिए एक प्रेस्टीजियस पोस्ट हुआ करता था, ये चीज याद रखना, और ये अच्छा कमाने वाला जॉब माना जाता था। ठीक है, तो इनका मान सम्मान मुगल कोर्ट में अच्छा खासा किया जाता था। बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो अकबर ने कई सारे पेंटर्स को बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, बहुत मान सम्मान देता था। पेंटिंग का भी उसका एक अलग उन्होंने डिपार्टमेंट खोल रखा था, सेवरल काइंड्स के पेंटिंग वो करवाता था, उसे बहुत ज्यादा रुचि रखता था, और वो पेंटिंग को उन्होंने बुक से भी कनेक्ट किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।